फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉलियम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ स्मॉलियल. द रेडियस ऑफ कायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज. तो देखिए इस क्वेश्चन में फोर पार्टिकल दिए गए जिनका मास स्मॉलियम है. ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पर प्लेस्ड है जिसकी साइड लेंथ स्मॉल एल दी गई है. रेडियस ऑफ कायरेशन इस सिस्टम के फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट से जो इसके सेंटर से पास होगी और सेंटर के इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. इसको हम ओ ओ डैश नाम दे देते हैं. इसके अबाउट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम ये इस लेंथ दी गई है, स्क्वायर की साइड लेंथ दी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं. गिवन जो मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल्स ये स्मॉल एम दिया है और साइड लेंथ जो दी है स्मॉल एल दी है. हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कायरेशन. तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर की ये लेंथ फाइंड करेंगे. तो ये एल लेंथ का है तो ये एल रूट टू हो जाएगी लेंथ. और इसके सेंटर से एम मास की डिस्टेंस ये हाफ होगी तो एल रूट टू में टू से डिवाइड करेंगे ये लेंथ आ जाएगी एल बाई रूट टू. तो हम पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड कर लेंगे. फिर हम रेडियस ऑफ कायरेशन निकालेंगे तो आई ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट निकालेंगे ये इस रेक्टेंगल के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ओ ओ डैश एक्सिस. तो ये फोर मास है तो फोर एम और ये आर स्क्वायर करते हैं तो एल वाई रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा. एम आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे फोर मास के लिए, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर एम एल स्क्वायर बाई टू. तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी 2 ml². अब इसको हम कंपेयर करेंगे 4 m r² ये रेडियस ऑफ कायरेशन है और ये इक्वल होगी 2 ml² के. तो यहां से रेडियस ऑफ कायरेशन जो आएगी इसको डिवाइड कर देंगे एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगी. तो यहां से रेडियस ऑफ कायरेशन की वैल्यू आएगी एल बाई रूट टू. तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट.